नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टर अनुराग बासु सर की डायरेक्ट की गई सभी फिल्मों के बारे में। दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए देखते मजा आएगा। दोस्तों अनुराग सर ने अपनी डायरेक्टर करियर की शुरुआत 4 जुलाई 2003 में आई फिल्म साया से की, और इस फिल्म में हमें नजर आए थे जॉन अब्राहिम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी और जोहरा सेगल। दोस्तों 3 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने भारत से कमाई की थी 5 करोड़ 2 लाख की, वही दुनिया भर से कमाई इसने 5 करोड़ 16 लाख की, और यह एवरेज साबित हुई थी। नेक्स्ट फिल्म आती है इनकी 2 अप्रैल 2004 में मर्डर। फिल्म में हमें नजर आई इमरान हाशमी, मलाइका शेरावत। लागत थी फिल्म की 5 करोड़ की, अपने भारत से कमाई हुई इसकी 22 करोड़ 88 लाख और दुनिया भर से कमाई 22 करोड़ 50 लाख और इसी के साथ ही यह सुपरहिट रही। नेक्स्ट मूवी आई इनकी 24 सितंबर 2004 में तुमसा नहीं देखा। फिल्म में नजर आए हमें इमरान हाशमी और दिया मिर्जा। लागत थी इसकी 7 करोड़। भारत से कमाई की इसने 4 करोड़ 92 लाख और दुनिया भर से कमाई 5 करोड़ 4 लाख की, और यह एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद मूवी आई थी 28 अप्रैल 2006 में गैंगस्टर। फिल्म में नजर आए थे हमें इमरान हाशमी, कंगना रनावत और स्नेह आहूजा। लागत थी इस फिल्म की 6 करोड़ 50 लाख की, भारत से कमाई इसने 17 करोड़ 93 लाख की, और दोस्तों यह हिट हुई थी। 11 मई 2007 में मूवी आई इनकी लाइफ इन ए मेट्रो। इस फिल्म के मुख्य किरदार में हमें नजर आए थे धर्मेंद्र, कोनकोना सेन शर्मा, नफीसा अली, शिल्पा शेट्टी, के मेनन, कंगना रनावत, सरमन जोशी, स्नेह आहूजा और इरफान खान। दोस्तों लागत थी इस फिल्म की 9 करोड़ 50 लाख की, अपने भारत से कमाई की 22 करोड़ 9 लाख, वही दुनिया भर से कमाई 24 करोड़ 45 लाख की, और कमाई के हिसाब से यह एक सेमी हिट फिल्म करार दी गई। इसके बाद 21 मई 2010 में इनकी मूवी आई काइट्स। फिल्म में नजर आई हमें ऋतिक रोशन, बरबोरा मोरी, कंगना रनावत और कबीर बेदी। इसकी लागत थी 82 करोड़ की, अपने भारत से कमाई इसने 67 करोड़ की और दुनिया भर से कमाई 87 करोड़ 96 लाख, और यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इसके बाद 14 सितंबर 2012 में इनकी मूवी आई बर्फी। इस फिल्म के मुख्य किरदार में नजर आए हमें रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डी क्रूज। लागत थी दोस्तों फिल्म की मात्र 40 करोड़ की, अपने भारत से कमाई की इसने 155 करोड़ 76 लाख की, वही दुनिया भर से कमाई की 188 करोड़ 36 लाख की, और कमाई के हिसाब से इस फिल्म को सुपरहिट करार दी गई थी। इसके बाद 14 जुलाई 2017 को मूवी आई जग्गा जासूस। फिल्म में नजर आए थे हमें रणबीर कपूर और कटरीना कैफ। लागत थी फिल्म की 75 करोड़ की और भारत से कमाई इसने 75 करोड़ 22 लाख की और दुनिया भर से कमाई 91 करोड़ 47 लाख, और यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद 12 नवंबर 2020 में आई थी फिल्म लूडो। फिल्म के मुख्य किरदार में हमें नजर आए अभिषेक बच्चन, आदित्य रॉय कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, फातिमा शना शेख और सानिया मल्होत्रा। और दोस्तों इस फिल्म को पर्दे पे रिलीज ना करके OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी, जिस वजह से इसकी कोई भी डाटा हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। दोस्तों इसके बाद साल 2023 में अनुराग जी की मूवी आने वाली है मेट्रो इन दिनों। तो दोस्तों यह था अनुराग बासु सर की डायरेक्ट की गई सभी फिल्मों की लिस्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।